नमस्कार दोस्तों काफी दिनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टर जैकलिन फर्नाडस को क्वेश्चन कर रहा था इन कनेक्शन विद ए मनी लॉन्ड्रिंग केस कौन मैं सुकेश चंद्रशेखर इस बंदे के बारे में आपने शायद सुना होगा इनके अगेंस्ट ऑलरेडी 15 रजिस्टर्ड है काफी सारे क्रिमिनल केसेस भी है इन वेरियस मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड ऑलरेडी ये डेली का रोहिणी जेल में बंद भी है तो आज इस वीडियो में इस इश्यू को समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है रेस्पॉसिबिलिटी क्या है कौन कौन से सेंट्रल एक्ट के अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करते हैं सब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जैकलिन फर्नाडस एक्चुअली फंस गई थी जब उनके कुछ पिक्चर्स सुकेश चंद्रशेखर के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड हुई थी तब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस एक्टर को क्वेश्चन कर रहा है एंड लास्ट अप्रैल में इनके 7.27 करोड़ करोर बर्थ एसेट भी ईडी ने अटैच किया था वैसे सुकेश चंद्रशेखर ऑलरेडी दिल्ली का रोहिणी जेल में बंद है उनका कहना यह है कि उन्होंने जैकलिन जैकुल्डस को कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं जैसे कि एक घोड़ा वर्थ रूपीस फिफ्टी टू लैख पर्शियन कैट वर्थ रूपीस नाइन लैख उनके लॉयर ने मीडिया को यह भी बोला है कि जैकलिन सुकेश के साथ डेट कर रही थी पर बाद में एक्टर ने उसे डिने किया वैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह पता चला है कि जैकलिन सुकेश के साथ रेगुलर कॉन्टेक्ट में थी लास्ट फेब्रुवरी वैसे जैकुल ऑलरेडी ईडी को यह बता दिया है कि सुकेश इन्हें कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है जैसे कि गुची बैग्स लुई विटन शूज डायमंड मल्टी कलर स्टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और जैकुलिन एक मिनी कूपर कार बाद में वापस भी किया था इसके अलावा सुकेश जैकुल को और जैकुलन के फैमिली मेंबर्स को फंड्स भी दिया है वर्थ अबाउट रूपीज टू करोड़ और ये फंड्स प्रोवाइड किया है थ्रू ए हवाला ऑपरेटर नेम्ड अवतार सिंह कोचर ये अवतार सिंह कोचर एक एस्टैब्लिश एंड वेल नोन इंटरनेशनल हवाला ऑपरेटर है वैसे ये सुकेश चंद्रशेखर मुझे लगता है जन्म से ही कौन आदमी है सत्रह साल की उम्र में यह लोगों को कौन करना शुरू किया था बेंगलुरु में काफी सारे फोर्जरी एटम्प किए चेन्नई में किए अभी तो दिल्ली जेल में बंद है दोस्तों पहले तो तिहाड़ जेल में था अभी रोहिणी जेल में है इनके अगेंस्ट काफी सारे क्रिमिनल केसेस है एंड फिफ्टीन एफ भी रजिस्टर्ड है रिसेंटली सुकेश चंद्रशेखर न्यूज में था जब ईडी इनका एक ियस सी फेसिंग बंगलो चेन्नई में सीज किया इसके बाद 82.5 जेल में बंद था तब यह एक एक्सटोशन रॉकेट चलाता था वर्थ रूपीज टू हंड्रेड क्रोर वैसे जेल में बंद होने से पहले यह सौ से ज्यादा लोगों को ड्यूब किया है जॉब्स प्रॉमिस करके इसका मॉडस ऑपरेंडी यह था ये सबको बोलेंगे कि मैं पॉलिटिशियन का रिलेटिव हूं और सभी से पैसे ले लेंगे तो ईडी को यह पता चला सेवेंटी फाइव करोड़ से ज्यादा पैसे इसी तरह इसने कलेक्ट किया है वैसे सुकेश को और इसकी गर्लफ्रेंड को टू थाउजेंड इलेवन में पुलिस अरेस्ट किया था फॉर चीटिंग चेन्नई बेस्ड कैनरा बैंक देखिए बैंक को भी छोड़ा नहीं चेन्नई बेस्ड कैनरा बैंक को भी चीट करके काफी सारे पैसे इसने एडजस्ट किया था तो दोस्तों ये रही कहानी अब थोड़ा काम की बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है इट इज द प्रोसेस बाई विच लार्ज अमाउंट ऑफ इलिगली ऑप्टेनड मनी इज गिवन द अपीयरेंस ऑफ हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्स मतलब पैसे इलिगली ऑप्टेन किया होगा इलीगली पैसे कहाँ से ऑप्टेन करते हैं ड्रग ट्राफिकिंग से टेरिस्ट एक्टिविटी से या फिर कुछ और सीरियस क्राइम से और इन पैसों को ऐसा अपेयरेंस दिलाएगा कि यह कोई लेजिटिमेट सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है इट अलोज द क्रिमिनल्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर प्रोसीड तो बेसिकली गलत तरीके से पैसे कमाएंगे और ऐसे दिखाएंगे कि ये कोई लेजिटिमेट सोर्स से हमने कमाया है मतलब सही तरीके से कमाया है वैसे जब कोई गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उसे डर्टी मनी बोलते हैं और आपको पता होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम विच इज ए प्राइम सोर्स फॉर फंडिंग टेररिज्म टेररिज्म को फंड करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है वैसे मनी लॉन्ड्रिंग में थ्री मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व है नंबर वन इज प्लेसमेंट नंबर थ्री इज लेयरिंग नंबर थ्री इज इंटेग्रेशन प्लेसमेंट में क्या होता है ये जो डर्टी मनी है मतलब गलत तरीके से जो पैसे कमाया है उन्हें लेजिटिमेट फिनेंशियल सिस्टम में प्लेस करेंगे लेजिटिमेट सिस्टम मतलब जो प्रॉपर बैंक अकाउंट है उसमें वो डिपॉजिट करेंगे अब ऐसा नहीं कि ऐसे बल्ब डिपॉजिट करेंगे अलग अलग डिपोजिट होगा दोस्तों दूसरा लेयरिंग कंसील्स द सोर्स ऑफ द मनी देखिए इन पैसों का सोर्स क्या है ये कंसील करेंगे इसके लिए क्या है सबसे पहले तो पैसों को अलग अलग भागों में डिबेट करेंगे ठीक है जब छोटे छोटे डिपॉजिट होगा तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा सोच नहीं पूछेगा तो ये इनका तरीका है एंड बुक कीपिंग ट्रिक्स भी है दोस्तों देखिए इनके पास अलग अलग तरीके हैं अलग अलग अकाउंट्स दिखाएंगे अलग अलग सोर्स दिखाएंगे अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस दिखाएंगे ये सब बोल के कैसे भी करके वो सोर्स ऑफ द तो मनी को छुपाएंगे मतलब किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये पैसे जो है डर्टी मनी है तीसरा इन केस ऑफ इंटीग्रेशन द नाउ लॉन्डेड मनी इज फ्रॉम द लेजिटिमेट अकाउंट ओनली देखिए हमेशा पैसों को जब निकालेंगे ना तो ये प्रॉपर अकाउंट से ही निकालेंगे किसी को ये पता नहीं चलेगा ये पैसे जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज करने वाला है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मनी लॉन्ड्रिंग ट्रिक है दोस्तों हवाला ऑपरेशन वैसे हवाला ऑपरेशन के बारे में दो तीन वीडियो हमने ऑलरेडी किया है हवाला का मतलब होता है ट्रस्ट इसमें क्या होता है फिजिकली पैसे ट्रांसफर होता है दोस्तों मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को वो अवॉइड करते हैं देखिए बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे तब आपको सोर्स दिखाना पड़ेगा और बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करोगे उसका भी एक एविडेंस रह जाएगा तो अगर आप फिजिकली पैसे ट्रांसफर करोगे किसी के पास अगर आप पैसे देके उन्हें बोलोगे उधर तक पहुंचाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो ये होता है हवाला ऑपरेशन हवाला ऑपरेशन इज द सिंपल वे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और ये इंडिया में बैंड है हवाला वर्क पे ट्रांसफरिंग मनी विदाउट एक्चुअली मूविंग ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊंगा देखिए इन हवाला ट्रांसैक्शन नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश इज देयर देखिए फॉर एग्जांपल मूसा एक बिजनेसमैन है सऊदी अरेबिया में उनकी जो फैमिली है वो केरला इंडिया में रहते हैं नव मूसा पैसा भेजना चाहता है अपनी वाइफ मेरी को हवाला के थ्रू तो सबसे पहले मूसा क्या करेंगे लोकल हवालादार मिस्टर ए को कॉन्टैक्ट करेंगे उन्हें फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फाइव देंगे जो वो अपनी वाइफ को भेजना चाहता है तो मिस्टर ये मूसा को एक पासकोड प्रोवाइड करेंगे जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है नाउ मूसा ये पासकोड मेरी को बताएंगे फोन करके और ये भी बताएंगे कितने पैसे उन्होंने हैंड ओवर किया है मिस्टर ए को ऑन द आथर साइड इन इंडिया मेरी विल गेट कनेक्टेड टू द लोकल हवालादार मिस्टर बी आप देखिए और एक हवालादार होगा इंडिया में जो सऊदी ट्रांसैक्शन को हैंडल करता होगा नाउ मेरी लोकल हवालादार बी को कॉन्टेक्ट करेंगे मेरी वो किस किसको देंगे मिस्टर बी को देंगे और ये भी बताएंगे कि कितने पैसे उनके हस्बैंड ने उनके लिए भेजा है नाउ मिस्टर बी क्या करेंगे उस अमाउंट का थोड़ा सा एक परसेंटेज आज कमीशन चार्ज करेंगे जैसे कि पॉइंट फाइव परसेंट चार्ज करेंगे बाकी जो अमाउंट है वो मेरी को प्रोवाइड करेगा तो इधर आपको क्या पता चला दोस्तों सऊदी से क्या पैसे इंडिया तक पहुंचा नहीं पहुंचा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के बीच में एक ट्रस्ट है एक्चुअली मिस्टर ए को मूसा से पैसे मिला है और मिस्टर भी अपने से पैसे दिया है किसको मेरी को और थोड़ा सा कमीशन भी लिया है नाउ मिस्टर एस दैट अमाउंट टू मिस्टर बी अब ए बी को पैसे देंगे तो बेसिकली एक टाइप का ट्रस्ट है इन दोनों के बीच में अब देखिए जब रिवर्स होगा जब केरला से या फिर इंडिया से पैसा सऊदी जाएंगे तो इसी तरह ट्रस्ट में करना पड़ेगा इसलिए मैंने आपको इधर बोला द वर्ड हवाला ट्रस्ट अब ये जो पैसे दोस्तों ये पैसों का कोई सोर्स नहीं होगा इसलिए तो इस तरह भेजता है नो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ टेक्निक्स इधर बताया हुआ दोस्तों सबसे पहला स्ट्रक्चरिंग डिपोजिट इसमें क्या है ये मैंने आपको पहले बताया पूरे जो पैसे है इन्हें स्मॉलर डिपोजिट में ब्रेक करेंगे और कई सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक्सचेंज करेंगे और ये इंडिविजुअल्स का नाम होगा स्मर्फ्स ठीक है तो अलग अलग इंडिविजुअल से जब छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट होगा हमारा लेजिटिमेट फिनेंशियल सिस्टम में तो किसी को इतना डाउट नहीं होगा सेकेंड इज शेल्क कंपनीज ये तो दोस्तों इंडिया में चलता ही है कई सारे कंपनीज ऐसा है जिनका कोई एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन नहीं रहता ठीक है दे टेक इन डर्टी मनी आज पेमेंट फॉर सपोज गुड्स और सर्विसेज बट एक्चुअली प्रोवाइड नो गुड्स और सर्विसेज ये पैसे लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पर एक्चुअली कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं रहता है ऐसे ही वो पैसे रिसीव करेंगे पर देखिए नाम के लिए कंपनी है नाम पर पैसे आ रहा है बाहर से जब कोई देखेगा तो कंपनी कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए पैसे मिल रहा है तो इस तरह के शेल कंपनीज है दोस्तों कई सारे आज भी इंडिया में इस तरह के कई सारे शेल कंपनीज है अगला थर्ड पार्टी चेक काउंटर चेक और बैंक ड्रॉन ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आर यूटिलाईज एंड क्लियट बाय वेरियस थर्ड पार्टी अकाउंट्स इसमें क्या होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नाम पर चेक या ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे इसके बाद ये जो चेक या ड्राफ्ट है थर्ड पार्टी अकाउंट्स के थ्रू कैश करवाएंगे फाइनली बल्क कैश स्मगलिंग दिस इन्वॉल्व फिजिकली स्मगलिंग कैश टू अनदर जूरिस्डिक्शन एंड डिपोजिटिंग इट इन ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एस एंड ऑफ शोर बैंक ये जो बल्ब कैश स्मगलिंग है दोस्तों हमारे देश में कई सारे सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं वो क्या करेंगे पैसों को फिजिकली लेके जाएंगे देश के बाहर कोई बड़ा सूटकेस में भर के लेके जाएंगे और दूसरे कंट्रीज में जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से उधर जाके डिपोजिट करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने स्विस बैंक के बारे में सुना होगा स्विट्जरलैंड में जो बैंक है वो कभी भी सोर्स ऑफ मनी नहीं पूछते हैं तो चाहे आप कितने भी पैसे उधर जमा कर सकते हो कई सारे इंडियन पोलिटिशियंस सेलिब्रिटीज का पैसे इसी तरह स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ दोस्तों वैसे आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने यही बोला था कि स्विस बैंक्स में जितने करप्शन मनी पड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग करके जिन्होंने भी स्विस बैंक्स में जाके पैसे डिपॉजिट किए वो सब हम वापस लेके आएंगे बट अनफोर्चुनेटली ये अभी तक हुआ नहीं फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी डिस्कस करते हैं द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक लॉ एनफोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया तो हमारे देश में जितने इकोनॉमिक लॉस है उन्हें एनफोर्स करने का और इकोनॉमिक क्राइम के अगेंस्ट फाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर दिन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन तो एक्चुअली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फॉर्म हुआ था एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायुलेन्स को हैंडल करने के लिए अंडर द एफ ई आर ए फोरिन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन नाउ Initially it was established under the Department of Economic Affairs in 1956 as an enforcement unit. तो ध्यान दीजिएगा 1956 में Department of Economic Affairs के under था ED. तब ED नाम नहीं था enforcement unit था. It was later shifted to the Department of Revenue for administration in 1960. तो चार साल बाद 1960 में ये Department of Revenue के under आ गया. ठीक है? और आज enforcement Directorate rename किया गया 1957 में. ठीक है तो ध्यान दीजिएगा नाउ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एडमिनिस्ट्रेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनास ठीक है नाउ इडका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और कई सारे रीजनल ऑफिस है दोस्तों ऑल ओवर द कंट्री फाइनली फंक्शन ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको यह समझना है कौन कौन से सेंट्रल एक्ट के वायलेशन करने से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन ले सकता है नंबर वन इज फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लॉस एंड प्रोविजन Designated ED officials adjudicate FMA violations. Penalties up to three times the sum involved. तो so, जितना sum involved है money laundering cases में, उसका तीन गुना ज्यादा तक penalties ED impose कर सकता है. Number two is Prevention of Money Laundering Act 2002 laws and provisions. देखिए ED has the power to attach the assets of the culprits. देखिए culprits के जो assets हैं उन्हें attach करने का power ED के पास है. जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया Sukesh Chander Shekhar का चेन्नई में एक सी साइड बेंगलो ईडी ने अटैच किया था ठीक है सो अटैचमेंट ऑफ द एसेट्स का मतलब क्या होता है इट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर कन्वर्शन डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाई एन ऑर्डर अंडर चैप्टर थ्री ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब एक बार ईडी एक पर्टिकुलर एसेट को अटैच करने से उस अटैच उस एसेट के ऊपर कल्प्रिट का जो ऑनरशिप होगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कन्वर्ट नहीं कर सकता मूव नहीं कर सकता एक्सेट्रा एक्सेट्रा

फिर देखिए कंसर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 जिसे कोफे पोसा बोलते हैं दोस्तों ठीक है तो कोफे पोसा एक्ट के अंडर भी अगर कुछ वायलेशन हो रहा है ये भी ईडी देखेंगे फिर रेंडरिंग कॉपरेशन टू फॉरेन कंट्रीज इन मैटर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग देखिए मान लीजिए विजय मालिया जो है इधर से भाग के पहुंच गया यूके तो यूके में किसी के साथ हमें कॉपरेट करना होगा ना मतलब कोई एजेंसी होगा जिनके साथ हम बात करेंगे उन्हें अरेस्ट करने के लिए तो वैसे दूसरी कोई कंट्री से मनी लॉन्ड्रिंग केसेस अगर इंडिया में आता है तो उनके लिए एक नोडल एजेंसी है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ठीक है तो दोस्तों दैट्स इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा लेक्चर की पीडीएफ एड सूचना आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाई है